मुंगेर सदर अस्पताल के प्रसव केंद्र में प्रसव के बाद प्रसूता के परिजन से ममता द्वारा पैसे मांगे जाने का चला हाई वोल्टेज ड्रामा। हाई वोल्टेज ड्रामा की सूचना पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक पहुंचे प्रसूता वार्ड और मामले की जांच की। दरअसल मुंगेर के सदर अस्पताल स्थित प्रसव केंद्र में मकससपुर निवासी रोहन कुमार की पत्नी पूजा कुमारी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद प्रसव केंद्र में कार्यरत लालदार वाजा निवासी ममता अनिता देवी ने प्रसूता के पति से खुशभक्ति के रूप में पैसों की मांग की। इसको लेकर प्रसव केंद्र में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं इस हाई वोल्टेज ड्रामा की सूचना मिलने पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर रमण कुमार प्रसव केंद्र पहुंचे और मामले में जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रसूता के परिजन से पैसा मांगने का आरोप झूठा है। मैंने खुद अपने स्टाफ और नर्स से पूछा पर किसी ने कुछ नहीं बताया कि प्रसूता के परिजन से पैसों की मांग की गई है। हालांकि उन्होंने मीडिया को दिए गए बयान में यह बात स्वीकारी है कि बच्चा पैदा होने के बाद लोग खुशभक्ति के रूप में प्रसव केंद्र में कार्यरत आशा ममता को मिठाई खाने के लिए पैसे देते हैं। मुझे जैसे ही खबर हुई कि यहाँ किसी महिला जिसकी जो गर्भवती महिला थी जिसकी डिलीवरी हुई है उसके परिजन से 10,000 रुपये का डिमांड किया गया है। मैं तुरंत अस्पताल पहुँचा और उनके परिजनों से भी बात की, अपने स्टाफ से बात की, हमारे चिकित्सक अपनी जगह पर उनको कोई जानकारी नहीं, हमारे किसी स्टाफ को जानकारी नहीं। एक ममता जो उसकी देखभाल कर रही थी बच्चे की माँ की, उससे मैंने जानकारी ली, उसने नकारा कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जब मैंने मरीज की माँ से पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात उससे नहीं की गई है। मुझे लगता है ये किसी के बहकाव में लोगों ने इस बात को बढ़ाया। सर, जैसे कि देखा गया प्राय इस तरह का बात मामला सामने आता है, इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं आपके सबसे? भाई, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक निगरानी कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है, डिलीवरी जब होती है तो लोग की खुशी भी होती है और खुशी में अपना 1,000-2,500 रुपया देते भी अपनी मर्जी से, लेकिन अगर हमारे किसी स्टाफ के द्वारा मांगा जाता है तो ये गलत है, इसको प्रश्रय नहीं देना है, इस पर अंकुश लगाना है। सर, ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के स्टाफ के जो स्थापित स्टाफ है उनके नाक के नीचे ये सारा खेल होता है। ऐसा नहीं है, मैंने तो परिजन से ही पूछा है कि क्या तुमसे चिकित्सक ने मांग की? नहीं। तुमसे स्टाफ ने मांग की? तो नहीं। तो बाहरी लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ये जस्ट संस्थान को बदनाम करने की बात है और ऐसा कुछ। अब ये मामला है तो क्या कदम उठाएंगे सर आप? कदम उठाए, मैं खुद आकर के अपने से निरीक्षण किया हूँ और अपने से पूछताछ की है। अगर इस बात में सच्चाई आती है तो कार्रवाई होगी? सच्चाई नहीं, हम तो उसके मरीज से पूछ रही है, मरीज के घर वालों से पूछ रही है। ठीक, थैंक यू सर।